एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। आज हम उसके समरी लेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आज के हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा कंडीशंस ऑफ परचेज एंड सेल इन फॉरेन ट्रेड। ठीक, इसकी शॉर्ट समरी क्या है? इसकी शॉर्ट समरी है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो क्वांटिटी मांगी गई है बायर से, बायर ने हम उसको वही क्वांटिटी प्रोवाइड कराएं। जो क्वालिटी उसने मांगी है हम उसको वही क्वालिटी प्रोवाइड कराएं। जो प्राइस है हमको प्राइस देखना होगा, कहीं ये लोकल प्राइस तो नहीं हम चार्ज कर रहे हैं, हम चार्जेस कहाँ तक के, हम डिलीवरी कहाँ तक के कर रहे हैं। हम अगर वो कस्टमर हमारा खुद आ रहा है लेने तो लोकल प्राइस होगा, अगर हम उसको शिप तक के, पोर्ट तक के डिलीवर कर रहे तो फॉर वो क्या नाम है शिप तक के चार्जेस लोगे, या अगर आप शिप में लोड करवा रहे हो तो एट बोर्ड प्राइस लोगे, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस लोगे, या अगर उसकी कंट्री तक के पहुंचा रहे, उसकी कंट्री के बोर्ड तक के पहुंचा रहे हो, शिप तक पहुंचा रहे हो, तो वो हो जाएगा एक्स शिप प्राइस, या नेक्स्ट हो गया बॉन्डेड वेयर हाउस तक के कर रहे हो तो बॉन्डेड वेयर हाउस तक के हो जाएगा। यानी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप डिलीवरी कहाँ तक के कर रहे हो, इन सब को भी ध्यान रखना पड़ता है। आई विश ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट फॉरेन ऑर्डर्स और इंडेंट्स में बात करें तो फॉरेन ऑर्डर्स हमारे वो ऑर्डर्स होते हैं जिनमें अगर हम बात करें आप डायरेक्टली कॉल करते हो उनको, जो होते हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जिनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो, जिनसे आपको गुड्स ख़रीदने हैं आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है फॉरेन ऑर्डर। इंडेंट वो होता है जब आपको ख़रीदना किसी और से है बट उन आपके और सेलर के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, यानी कि आप किसी एजेंट को अपॉइंट कर लेते हो, सो वो हो जाता है आपका इंडेंट। आई विश ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इंडेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन इंडेंट। क्लोज इंडेंट वो होता है जिसमें हम बात करें तो क्लोज इंडेंट पे आपके एजेंट के पास सारे वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप भेज देते हो, नहीं आपको ऐसे नहीं काम करना, इस तरीके से गुड नहीं खरीदना, जो मैंने बोला है वही आपको गुड्स खरीदने होंगे। मींस आपका जो एक्सपोर्ट एजेंट होगा जिसके ज़रिए आप गुड्स खरीद रहे हो या मंगवा रहे हो दूसरी कंट्री से, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये होता है इंडेंट में, और वो सॉरी क्लोज इंडेंट में। ओपन इंडेंट में आपका जो एक्सपोर्ट एजेंट होता है वो फ्री होता है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, उसे कोई भी प्रेशर नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट का मतलब होता है जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट कराते हो। एक्सपोर्ट कराते हो किसके थ्रू एक्सपोर्ट करवाओगे? शिप के थ्रू करवाओगे, फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, ठीक, तो शिप के थ्रू करवाने के लिए आपको शिपिंग कंपनी जो होगी उससे कोई बातचीत करनी होगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब एक्सपोर्टर्स अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए शिपिंग कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिल ऑफ लेडिंग, एक होता है चार्टर पार्टी। बिल ऑफ लेडिंग वो होती है जिसमें हम बात करें तो जैसे लोकल ट्रेन्स नहीं होती हैं विदाउट रजिस्ट्रेशंस के आप जा रहे हो, ठीक है, लोकल ट्रेन्स होती हैं जिसमें आप चले जाते हो, खाली टिकट ले लिया और सबके साथ जा रहे हो, राइट, तो वैसा ही होता है यहाँ पे भी, यानी कि आपके गुड्स बाकी एक्सपोर्टर्स के साथ भेज दिए जाते हैं, ठीक है, एक शिप डिसाइड कर ली, इस शिप में बाकी एक्सपोर्टर्स के साथ आपके गुड्स को भी भेज दिया जाएगा, ठीक, ये क्लियर। चार्टर पार्टी क्या होती है? चार्टर पार्टी में या तो आप पूरी की पूरी शिप हायर करो या शिप का एक पार्ट हायर करते हो, ठीक, पूरी की पूरी शिप हायर करना मींस कि इस शिप में या इस पूरे पार्ट में शिप के सिर्फ और सिर्फ मेरे ही गुड्स जाएंगे या मेरे ही सामान जाएंगे, भले ही मेरे गुड्स का एक बॉक्स ही क्यों ना हो, ठीक, लेकिन ये पूरा पोर्ट सॉरी ये पूरे शिप का पार्ट मेरे नाम से रिजर्व है तो मेरा ही सामान रखेगा, किसी अदर एक्सपोर्टर का सामान नहीं आएगा, ये होता है चार्टर पार्टी। नेक्स्ट आता है आपका मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट क्या होती है? ये आपका कैप्टन आपको देता है, कब देता है? जब वो इंस्पेक्ट कर लेता है, यानी कि गुड्स जब शिप में लोड हो जाते हैं तो वो चेक करता है कि सभी गुड्स प्रॉपर्ली पैक्ड हैं या प्रॉपर्ली लोड हुए कि नहीं, तो वो अपने एक्सपोर्टर्स जो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको क्या करता है,
रिसिप्ट पकड़ाता है। अगर वो फाउल रिसिप्ट हुई तो इसका मतलब आपके गुड्स की पैकेजिंग अच्छी नहीं है, और अगर डैमेज हुए तो इसमें कैप्टन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और अगर वो आपको क्लीन रिसिप्ट पकड़ाता है तो दैट मीन्स आपके गुड्स बहुत ही प्रॉपरली पैक्ड हुए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के मतलब अच्छी क्वालिटी में पैक्ड हुए हैं, ठीक। और अगर डैमेजेस नहीं होंगे, अगर इन केस हो जाते तो हाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कैप्टन पर आएगी, ठीक। सो वो होता है। नेक्स्ट होता है मेथड्स ऑफ पेमेंट। मेथड्स ऑफ पेमेंट्स पे बात करो तो मेथड्स ऑफ पेमेंट्स आपके बहुत से होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री बिल में बात करो तो डॉक्यूमेंट्री बिल होता है यानी कि आपने इनवॉइस दिया, साथ में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए। डॉक्यूमेंट्स कैसे? लाइक बिल ऑफ लेडिंग, चार्टर, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस को कॉपी, ठीक है, टैक्सेस पे जो किए हैं उसकी कॉपी, बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपी, ड्राफ्ट की कॉपी, आपने इनवॉइस के साथ ये सारी कॉपीज भी अटैच कर दी कि हाँ, ये एक्सपेंसेस मैंने आपके बिहाफ पे किए हैं, आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। सो वो होता है डॉक्यूमेंट्री बिल, राइट। डॉक्यूमेंट्री बिल भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट। एक्सेप्टेंस में आप टाइम लिमिट होता है, यानी कि अगर आपने मतलब आपको टाइम दे दिया कि हाँ, आप एक हफ्ते बाद पेमेंट कर देना, सो वो हो गया अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। और पेमेंट वाला होता है कि जैसे आपको बिल रिसीव हुआ आपको तुरंत पेमेंट करनी है, वो हो गया आपका ऑन पेमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है बिल ऑन बैंक। बिल ऑन बैंक का मतलब होता है जब आपका जो सेलर है वो आपको बिल ना दे करके आपके बैंक को बिल देता है, यानी कि बायर के बैंक को बिल देता है। बायर कहता है कि आप मुझे बिल मत दीजिएगा, आप मेरी बैंक को बिल दीजिएगा, वो पेमेंट कर देगी, ठीक। तो वो हो जाता है बिल ऑन बैंक। कैश ऑन डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब आपका बायर पेमेंट करता है तो सो विथ डॉक्यूमेंट पे करता है, मीन्स वो ये भी पे करता है। अब जैसे आपने जैसे डॉक्यूमेंट्री बिल दिया, वैसे ही वो पेमेंट भी कर रहा है। उसने पैसा तो दिया ही दिया, साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि इसकी भी पेमेंट की, इसकी भी पेमेंट की, इसकी भी पेमेंट की। सो वो हो गया कैश ऑन पेमेंट। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है आपका? फॉरेन ड्राफ्ट। जैसे इंडिया में इंडियन ड्राफ्ट्स होते हैं, वैसे ही आपका होता है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट, राइट, जो आप फॉरेन कंट्रीज में यूज़ करते हो। नेक्स्ट होता है आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इसमें होता है जब तक कि आप अपनी पूरी पेमेंट नहीं कर देते तब तक कि आपके गुड्स आपको डिलीवर नहीं करने होंगे, यानी कि आपको आपके गुड्स खरीदने से पहले ही पेमेंट करनी होगी। जब आप पेमेंट कर दोगे पूरे सेलर को तभी वो आपके गुड्स को डिलीवर करेगा, राइट। सो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं, लाइक हो गया लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन होता है जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करवाते हो, बैंक आपको डिस्काउंट करने की फैकल्टी प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए फॉरेन कंट्री में जब आप ये करवाना चाहते हो ट्रेड में, तो फिर आपको एक लेटर लिखना होता है, उसे कहते हैं लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, ठीक। और एक होता है आपका बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस वो होता है जो आपके हर शिप के पास एक वेयर हाउस होता है, जिसमें आप क्या बताते हो, यानी कि आपके जो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं गुड्स या इम्पोर्ट किए जाते हैं गुड्स, वो सारे गुड्स लाके उनको स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक कि वो अपनी ड्यूटीज पे नहीं करेंगे तब तक कि वो सारे गुड्स ना एक्सपोर्ट होंगे ना इंपोर्ट होंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट से बॉन्डेड रहती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। सो ये होता है आपका बॉन्डेड वेयर हाउस, राइट। इसके बाद में आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये बताता है कि आपके गुड्स कहाँ के बने हुए हैं, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ठीक, ये उसका सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट होता है आपका काउंसलर इनवॉइस। काउंसलर इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस होता है जिसमें आपके जो सेलर होता है उसको तीन इनवॉइस यानी कि तीन फॉर्म्स फिल करने होते हैं, जिसमें से वो दो अपने पास रखते हैं, काउंसलर अथॉरिटी जो होती है आपकी कंट्री की उनको शो करना पड़ता है, ठीक है, और एक इनवॉइस वो आपको देते हैं, राइट। ये होती है आपकी काउंसलर इनवॉइस। इसकी फुल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको वीडियो देखना होगा, वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये तो था आपका पूरा शॉर्ट समरी। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। वेरी शॉर्ट्स में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक वारंट। अब डॉक वारंट क्या है? मैम आपने डॉक वारंट तो अभी बोला नहीं। सो डॉक वारंट क्या होता है? जो भी आप चार्जेस पे करते हो,
जब आपके एक डॉक होता है, यानी कि जहाँ से जहाँ पे आपकी शिप आके स्टॉप होती है, लाइक एक होता नहीं है इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आके रुकेगी, जैसे प्लेटफॉर्म होता है वैसे ही शिप के लिए एक डॉक होती है, ठीक। जहाँ पे आपकी शिप रुकती है वहाँ पे आपके गुड्स लोड होते हैं और पैसेंजर्स अंदर जाते हैं, ठीक। वहाँ पे जब आके आपके वो शिप आके रुकती है तो वहाँ पे जब आपके गुड्स को लोड किया जाता है तो वहाँ पे भी क्या किया जा सॉरी वहाँ पे आप जो पेमेंट करते हो तो उसे क्या कहते हो, डॉक चार्जेस पे कर रहे हो, मीन्स डॉक चालान होता है। और जो भी आप गुड्स, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डॉक वारंट की, अब जो भी गुड्स आपके हैं वो आप कहाँ पे जाके, यानी कि बॉन्डेड वेयर हाउस में है, वहाँ पे अगर आपके गुड्स स्टोर हैं, फिर वहाँ का जो ऑफिसर होता है बॉन्डेड वेयर हाउस का, वो आपको जो रिसिप्ट देता है वो होती है डॉक वारंट, राइट। वो होती है आपकी डॉक वारंट। नेक्स्ट क्या है, वॉट इज मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट हमें पता है क्या होती है। नेक्स्ट, वॉट डू यू मीन बाय चार्टर पार्टी, ठीक। ये वेरी शॉर्ट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट में किस टाइप्स के, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट्री बिल। नेक्स्ट, वॉट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट, एक्सप्लेन। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट बताओगे, उसके पार्ट्स को डिफाइन करोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वॉट डू यू मीन बाय इंडेंट, वॉट आर इट्स कंटेंट, गिव डिफरेंस बिटवीन इंडेंट एंड फॉरेन ऑर्डर। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। जो अभी मैंने बताया था पेमेंट्स के मेथड, डॉक्यूमेंट्री बिल, बिल ऑफ लेडिंग, सॉरी डॉक्यूमेंट्री बिल, फॉरेन बिल, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट, ये सारे जो मैंने अभी बताए थे ये उसी में आएंगे। इसको आपको ब्रीफली लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा प्रॉपर तरीके से। सो आई विश आपको ये समझ में आया हो कि इस चैप्टर की समरी क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ओके। सो आई विश इसमें कोई डाउट ना हो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।